नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। नाथनगर सब्जी मंडी में अपराधियों के द्वारा दहशत, रंगदारी मांगने पर गोलीबारी और बमबारी। भागलपुर नाथनगर थाने के मामले में पुलिस की 24 घंटे तक खाली हाथ दिखाई दिए। जानकारी के मुताबिक बताया जाता है कि शुक्रवार को खाद व्यवसायी से रंगदारी मांगने पहुंचे रूपेश यादव व्यवसायी पर गोली चला दी, जिसके बाद व्यवसायी बाल बाल बचे हैं। इस घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी नाथनगर थाने को दी। जानकारी मिलते ही नाथनगर थाना अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचा और मामले की जांच में जुट गया। शुक्रवार को नाथनगर सब्जी मंडी में अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ज्ञात हो कि पूर्व से आपराधिक घटनाओं में लगातार दहशत फैला रखी है। हालांकि ताजा मामला खाद व्यवसायी के साथ किया गया रंगदारी है, जिस पर उसके ऊपर गोली चला दी गई, जिसके बाद प्रत्याक्षी के द्वारा भागलपुर के DSP और तमाम पुलिस बलों को भी इसकी सूचना दी गई। शुक्रवार को पहुंची सब्जी मंडी ASP ने लोगों को समझा बुझाकर अपने व्यवसाय को प्रारंभ रखने की बात कही। लोगों के मुताबिक अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर मांग पर वो लोग अड़े रहे और भागलपुर के ASP ने आश्वासन देकर 16 होमगार्ड जवानों को फर्मामेंट के लिए नाथनगर सब्जी मंडी पर लगा रखा है। रूपेश यादव पूर्व में भी कई मामलों को लेकर जेल जा चुका है, लेकिन प्रतिवर्ष गांव के अनुसार बताया गया कि पागल के सर्टिफिकेट और नाबालिग के साथ ही टिकट बनाकर पुलिस के चंगुल से छूट जाता है, फिर वह अपनी घटनाओं को मामले में बनाए रखता है। शुक्रवार को हुई गोलीबारी मामले में सभी व्यवस्थाओं से मन में डर लगा हुआ है कि हालांकि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के खिलाफ नाथनगर सब्जी मंडी के बीच में 50 की संख्या में आए लोगों ने उनका पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि यह गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नीतीश कुमार मजबूत पड़ गया क्या? चल रहा है। अभी हम लोगों ने इस एरिया में फ्लैग मार्च किया है और व्यवसायियों को आश्वासन दिया है कि किसी भी प्रकार की अपनी घटना यदि होती है तो वो हम लोगों को सूचित करें, उस पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी। कल प्राथमिकी दर्ज भी की गई है, अब तक उसी गिरफ्तारी में जी कल जो मामला प्रकाश में आया था उस बारे में प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस की लगातार छापेमारी कर रही है। जिस तरह से अपराधी है सर, उसको गिरफ्तारी के लिए क्या टीम गठित किया गया? जी, उसके लिए टीम गठन किया गया, जिसमें ललमटिया, नाथनगर और मधुसूदनपुर थाना प्रभारी है। मैं स्वयं इस टीम की मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, वरीय पुलिस महोदया भी इस टीम की मॉनिटरिंग कर रही है। धन्यवाद। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।